आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन डिविजन रॉकफेलर की, जिन्हें हम जॉन डी रॉकफेलर के नाम से भी जानते हैं, जो कि पहले तो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे पर बाद में इस दुनिया के सबसे पहले बिलियनर बनते हैं। इनकी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो पूरी देख के जाना। और इसी से रिलेटेड हमने काफी लोगों पर बायोग्राफी बनाई है, जैसे कि एंड्रयू कार्नेगी, नीरा आर्या, धीरू भाई अंबानी। आप चाहे तो चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। जॉन डी रॉकफेलर का जन्म सन 1839 में हुआ था। जॉन के पिता लोगों को नकली दवाई देते थे, यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाते थे उनको कैंसर और बड़ी ही खतरनाक बीमारियों की दवाई देने के नाम पर। इसीलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे, दूसरे शहरों में रहा करते थे। और जब जॉन के पिता घर से बाहर रहा करते थे तो घर की जिम्मेदारी जॉन डी रॉकफेलर पर आ गई अपने घर को चलाने की। जॉन ने बहुत ही कम उम्र में चॉकलेट और टॉफी बेचना शुरू किया और जो पैसे कमाते थे उससे अपना घर चलाया करते थे। जॉन डी रॉकफेलर को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने कोर्स किया बुक सेल करने का। और जब से वो कमाई करते थे बचपन से ही वो अपनी कमाई का 10% सीक्रेटली डोनेट किया करते थे, और यही आदत उन्होंने अपने मरते दम तक अपनाई। काफी सारी जॉब करने के बाद और काफी सारी नॉलेज लेने के बाद जॉन डी रॉकफेलर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उस कंपनी का काम था अनाज को खरीदने का और बेचने का। जॉन डी रॉकफेलर ने बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी कंपनी को बड़े से बड़ा बनाया। जब उनका अनाज का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था तो उनको पता चला कि ऑयल के काम में बहुत अच्छी कमाई है और इस टाइम पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। फिर जॉन डी रॉकफेलर ने ऑयल इंडस्ट्री में घुसने का प्लान बनाया और उन्होंने शुरू में घर के लैंपों के लिए और तेल से बनी काफी सारी चीजें बेचना शुरू की। और देखते ही जॉन डी रॉकफेलर की कंपनी ने स्टैंडर्ड ऑयल ने देश की 90% छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लिया और पूरे देश में 90% पर राज करने लगी। यानी कि उस कंपनी ने अपनी मोनोपोली इतनी तगड़ी कर ली, अपना अधिकार इतना तगड़ा कर लिया कि किसी दूसरे प्लेयर को घुसने का मौका ही नहीं दिया। और सन 1900 आने तक वो फुल टाइम लोगों की सेवा में लग गए और वो जमकर दान करने लगे। उन्होंने अपना काफी सारा पैसा लोगों की पढ़ाई के लिए दान किया, लोगों के खाने के लिए खर्च किया, देश की प्रगति में खर्च किया, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जॉन डी रॉकफेलर ने अपने पैसे से बनवाई। पर हार्डली कोई सबूत होगा जो कि ये बताए कि यूनिवर्सिटी जॉन डी रॉकफेलर ने अपने पैसों से बनवाई है, क्योंकि वो इस चीज में ट्रस्ट नहीं करते थे कि मैं किसी को दान करूं और सुनाऊं। उस समय के 512 मिलियन जॉन डी रॉकफेलर ने दान किए थे, यानी कि आज के तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और अगर किसी और इंसान पे चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना।